हाँ जी, किदां फिर सारे वधिया। परमात्मा तुहानू सारयां नू हमेशा चढ़दी कला च रखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। वैलकम बैक टू माई चैनल बल्ले बल्ले, और मैं हूँ आपका वन एंड ऑनली दोस्त एंड होस्ट नवनीत सिंह। सो आप सभी को एक बार फिर से करता हूँ नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हैलो जी। सो, आज हम जिस गाने का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका टाइटल है बागियां दे किस्से। गाना रिलीज़ हुआ है वेली जनता रिकॉर्ड्स, लेबल का नाम बहुत प्यारा है वेली जनता रिकॉर्ड्स, और इस गाने को गाया है तरसेम जस्सर ने, लिखा भी तरसेम जस्सर जी ने है, और उनका साथ दे रहे हैं कुलबीर। तरसेम जस्सर जी जो है उनके ज़्यादातर जो गाने हैं वो सिख कौम की शान, अनख, इन सब पे ज़्यादातर बेस्ड होते हैं। और इस बार ये मौका बहुत ख़ास है क्योंकि ये गाना भी डेडिकेटेड है हमारे अभी के हालातों को देखते हुए, किसान आंदोलन, जो किसान प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में। तो गाने का रिव्यू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा ख़ासतौर से नई ऑडियंस के बीच में, कि यही स्पेशलिटी है, पंजाबियों की खासियत है, चाहे पंजाबी पंजाब में हो या भारत के किसी कोने में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन जब बात आती है कौम की तो जो इनकी यूनिटी है वो अपने आप में एक एग्जांपल है जिससे हम सभी को सीखने को मिलता है। और कितने शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस पुलिस की ये लाठियां खा रहे हैं उसी को ये जो है लंगर छका रहे हैं, तो ये एग्जांपल है सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी का। लेकिन वहाँ पे ये भी इंडिकेशन साफ दे रहे हैं कि भैया वो उनमें पेशेंस है, आप उनके सब्र का इम्तिहान मत लीजिए क्योंकि वो कमज़ोर नहीं है। और ये जो यूनिटी है यही जो है आपको डिफरेंस बताती है, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन ये डिफरेंस है बॉलीवुड में और पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री में, कि जहाँ पे आपने देखा कि जब फार्मर प्रोटेस्ट की बात आई तो जितने भी पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के या फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी अभिनेता हैं वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और सभी अपने तरीके से जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो लंगर में सेवा देना हो, वहाँ पर किसानों की हौसला अफजाई हो, या फिर एक के बाद एक जो गाना वो रिलीज़ कर रहे हैं जो कि डेडिकेटेड है किसान आंदोलन को। इससे पहले हमने देखा कि रंजीत बावा जी ने अपना गाना रिलीज़ किया, अभी कल ही जो है सिद्धू मूसे वाले भाई का गाना आया है, और आज जो है तरसेम जस्सर जी ने अपना गाना रिलीज़ किया और ये भी डेडिकेटेड है किसान आंदोलन को। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है यूनिटी का, ये सिर्फ हमें शायद यहीं देखने को मिलेगा या इस कौम में देखने को मिलेगा, चाहे वो इस कौम के सितारे हों, अभिनेता हों या एक आम इंसान हो, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो जो इनकी बॉन्डिंग है उसको हिला पाना वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन ये चीज़ आपको शायद ही देखने को मिले बॉलीवुड में, जहाँ पे आप जानते हैं कि किसी को कुछ भी हो जाए लेकिन लोगों के ज़ुबान पे ताले लगे रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं गाना तरसेम जस्सर जी का बागियां दे किस्से। दिल दुख जावे किसे भी अजीज दा, रखे सांभ सांभ जसड़ जबान। बागियां दे किस्से सुन सुन वटे होया किवे छड़िए जमीन ते ईमान। बागियां दे किस्से सुन सुन वटे होया किवे छड़िए जमीन ते ईमान। पिंडा वाले ताही तां गल पिंडा वाली है, पछाड़ा की है तीरा मूरे हिक्का लाउंदे ने, भावे कड़ी भावे पुरजे तां बाजी लाउंदे ने, हक्कां ली खलोंदे ने तकड़े नूं टौंदे ने, राओ विच आके भी जकारे लाउंदे ने, अड़प बुलटा विच जोश मारे भड़का निमर भी पूरे पर छड़ियां नी मड़का। पुत दशमेश तेरे जत्तणगे हर थां कैदी जाके तेरे ओ वजीदे खानू। हो बागियां दे किस्से सुन सुन वड्डे होया किवें छड़िए जमीन ते ईमान नू। हो बागियां दे किस्से सुन सुन वड्डे होया किवें छड़िए जमीन ते ईमान नू। हो पिंडा वाले आ ताही तां गल। पॉज करूंगा, जैसे सभी आर्टिस्ट का एक अपना फ्लेवर होता है, जैसे हमने देखा कि रंजीत बावा के गाने में जो है मतलब मैसेज था, एक ह्यूमर भी था। सिद्धू मूसे वाले के गाना जो है वो टोटली एग्रेसिव था जो फार्मर प्रोटेस्ट के लिए, और ये जो गाना है ये बैलेंस गाना है। तो बागियां दे किस्से सुन सुन वड्डे हुए हैं किवें छड़िए अपना जो हमारे ईमान को हम कैसे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, ये इस गाने का खास तौर से जिनको पंजाबी नहीं आती है, लेकिन जो वर्डिंग्स हैं वो माइंड ब्लोइंग है। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर तरसेम जी ने ये गाना लिखा है तो माइंड ब्लोइंग होगा, और सच में जो वर्डिंग्स हैं वो आपको
मतलब एक रोंगटे खड़े करने वाली हैं, जो पंजाब के कल्चर को, पंजाब की हिस्ट्री को, इतिहास को बताती है कि जब जब उन पे विपदा आई है तो भैया फिर उन्होंने जो है बराबर की टक्कर ली है और अच्छे अच्छों को जो है उनको जड़ से उखाड़ दिया है। तो ये मैसेज है, लेकिन उसमें ये भी कह रहे हैं कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, किसी अजीज़ का। तो जैसे एक कम्युनिटी का मैसेज होता है ना सिख कौम का कि भाई हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। तो यही मैसेज इस गाने का है। गाना बहुत खूबसूरत है, आगे बढ़ते हैं। खुशी खुशी लंघे जड़े खंगे ओही टंगे हथी ते कारणे खंडे साडी महिला नाल तलखी आ कुलियां च चंगे ना सानू अजमाना सी तिखे सुणा तो हस हस वार दिए जिंदगी असूलां तो आले कप्पे रुलां तो सी ना कही बुलां तो शहीदियां बारे ता पता ए स्कूलां तो देख छोटे फरजंद किवें डटे सी नानी मां होण दत्ता केसरी निशान नू ओ बागियां दे किस्से सुन सुन वड्डे होया किवें छड्डीए जमीन ते ईमान नू ओ बागियां दे किस्से सुन सुन वड्डे होया किवें छड्डीए जमीन ते ईमान नू ओ पिंडां वालियां दा ही तां गल पिंडां वाली है रालियां दे तंबू साडा किला देख लै ट्रैक्टर है हाथी उत्ते कैंग बैठदा नाड़ां विच्चों लावा देख अग कढ़दा सरकार तू जिन्ना नू अतवादी दस दी ओही सामदे ने बार्डर तमाम नू तुसी रोटी ही जिन्ना। तो गाना जो है अभी एक ट्रांजिशन आया कि जैसे पंजाब की हिस्ट्री, गुरु गोविंद सिंह जी की जो अगुवाई में जितनी लड़ाइयां हुई या जो जो मुग़ल एम्प्रेस ने जितने जो है उनको यातनाएं देने की कोशिश करी, लेकिन कहीं पे भी जो सरदार कौम है सिख कौम, वो उसने घुटने नहीं टेके और वो उभर के आई और पूरी दुनिया में उन्होंने अपना जो है झंडा गाड़ा। और अब ये जो है गाना बढ़ता है, ट्रांजिशन जो है वो ये होती है कि अब यही जो हालात हैं वो फार्मर प्रोटेस्ट में हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी सिचुएशन वैसी है, लेकिन जो है कहीं पे भी वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं। और एक जो ख़ास तौर से जो मैसेज दिया है कि भैया जिनको आप आतंकवादी कह रहे हो, ये बहुत ही गहरी बात है और सच में ये मतलब दिल को छू लेने वाली बात है कि जिनको आप आतंकवादी कह रहे हो, बॉर्डर पे रक्षा करने वाले, अपनी जान देने वाले वही सरदार कौम है। मैं मानता हूँ कि और भी बहुत सारे, सारा जो भारत है वो उसकी खासियत यही है कि सारी जो कम्युनिटी हैं वो उन्हीं से भारत बनता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ कौम ऐसी हैं, गोरखा कौम, सरदार कौम, राजपूत कौम, जो बॉर्डर पे जिन्होंने अपना जो है एक तरह से हमेशा प्रूफ किया है। और इसके साथ साथ एक मैसेज और है कि जिनके हाथों से आप रोटी छीनने की कोशिश कर रहे हो, वही तुमको जो है लंगर छका रहे हैं। ये बहुत गहरी बातें हैं, जो इनको समझता है वो मतलब बिना इमोशनल हुए या उसका जो है एक तरह से गला भर जाएगा, दिल पसीज जाएगा। और ये सच्चाई है, ये सिर्फ, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो वर्ड्स हैं जस्ट ऐसे ही, इन एक एक वर्ड का, एक एक लफ्ज़ का जो है मतलब है और बहुत गहरा मतलब है और वो बिल्कुल 100% सच है। आगे बढ़ते हैं। ਅੱਜ ਖੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹੀ ਖੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਨੂੰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। तो ये था गाना, और गाने के लास्ट में एक शायद रियल रिकॉर्डिंग है जिसमें कोई व्यक्ति कह रहा है कि भैया आपको जो रिपोर्ट करनी है वो आप कर लेना, लेकिन पहले प्रशादा तो छक लो। तो यही खासियत है इस पंजाब कौम की, क्योंकि मुझे याद है, मतलब मैं अपने कॉलेज डेज में शायद ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था या जो भी है, उस वक्त गुजरात में भूकंप आया था और वहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स को भेजा गया था रिलीफ वर्क के लिए, और वहाँ पे जब हम पहुँचे
जो गांव बिल्कुल मतलब ख़त्म हो चुके थे, जहां बहुत लोगों की मौत हो गई थी, वहां पे जब हमने कदम रखा तो हमसे पहले सिख कौम वहां ऑलरेडी पहुंच चुकी थी, लंगर लगा रही थी। और उन्होंने जैसे ही हम पहुंचे तो उन्होंने कहा, भैया ठीक है, यहां पे आप मदद करने आए हैं, काम कीजिएगा, लेकिन अभी थके आ रहे हैं, पहले कुछ खाना खा लो। तो यही खासियत है। और इसीलिए जो है मेरे दिल में या हम सब के दिल में बहुत ही ह्यूज रिस्पेक्ट है एंड ग्रैंड सल्यूट टू ऑल सरदार जी। और इस देश के सभी किसानों को मैं नमन करता हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि 2021 की जो सुबह है वो कोई अच्छी खबर लेके आएगी, जहां पे केंद्र सरकार और इन किसानों के बीच में कोई सहमति बनेगी और कोई भी किसान जो है वो मायूस होकर अपने घर नहीं लौटेगा। इसी कामना के साथ मैं विदा लेता हूं और आप सभी को बहुत सारा प्यार, और फिर से विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और हाँ, मैं कहना भूल गया कि मेरे लिए गाना बहुत ही बेस्ट था, और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यार चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, मैं भी एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर हूँ, तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लो। और फिर से मिलते रहेंगे और ये कनेक्शन जो है बना रहेगा लाइफ टाइम। लव यू ऑल।